हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सभी अच्छे होंगे तो आइए आज करते हैं क्लास सेवन के प्रैक्टिस सेट 17 को एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स चैप्टर से ओके प्रैक्टिस सेट 17 इसमें एक डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल की सबसे पहले इसे जान लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स वन डिग्री सप्लीमेंट्री मीन्स वन एट्टी इसकी डेफिनेशन है इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज वन एट्टी डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो एंगल का एडिशन अगर वन एट्टी डिग्री है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे ठीक है दो एंगल का एडिशन अगर 180 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका राइट द मेजर्स ऑफ द गिवन सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो आपको एक क्वेश्चन जो गिवन है इसमें क्या है एंगल गिवन है इसका सप्लीमेंट्स मतलब सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो सेम वही प्रोसेस जो इसके पहले प्रैक्टिस सेट में किया था प्रैक्टिस सेट जो सिक्सटीन में किया था उसी का जस्ट ये क्या है 17 में तो लिखेंगे लेट लेट द सप्लीमेंट्री लेट द मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल लेट द मेजरमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स देन अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका एडिशन 180 डिग्री होगा तो हम क्या लिखेंगे 15 प्लस एक्स फिफ्टीन प्लस एक्स यास प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब प्लस फिफ्टीन ए साइड चेंज कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस फिफ्टीन तो यक्स की वैल्यू आ गई आपकी 165, सिक्स डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा लिखेंगे लैंग्वेज में अब इसे देयर फॉर द मेजर्स ऑफ देयर फोर द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्स एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 165 ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लिखना है जब भी आपके एग्जाम में आता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड 85 डिग्री 85 डिग्री का आपको क्या करना है सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्स फाइंड आउट करना है तो सेम वही प्रोसेस है कुछ भी चेंज नहीं है लेकिन लेट द सप्लीमेंट्री एंगल या लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल लेट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या है एक्स हमने ऐसा सपोज कर लिया तो अब क्या हो जाएगा यक्स प्लस एट्टी फाइव इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब साइड चेंज हो जाएगा तो यक्स इज इक्वल टू हो गया आपका वन एट्टी डिग्री माइनस एट्टी फाइव माइनस कर देंगे जब इसे तो हो जाएगा आपका नाइन्टी फाइव आंसर क्या आ जाएगा इंटी फाइव नाइन्टी फाइव डिग्री आपका सप्ली सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ओके तो आंसर लिख देंगे नीचे देअर फोर द सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 फाइव डिग्री इज 95 फाइव डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड 120 ट्वेंटी डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो हम वही सेम प्रोसेस है कुछ भी चेंज नहीं है लिखेंगे लेट द मीजर्स ऑफ लेट द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स अब सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है डिग्री होता है तो लिखेंगे एक्स प्लस वन ट्वेंटी डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री साइड चेंज हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी डिग्री तो आ गया आपका यक्स इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री आपका क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री ओके तो लिखेंगे सिक्सटी डिग्री आंसर लिख देंगे अब लिखेंगे द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 ट्वेंटी इज सिक्सटी डिग्री वन डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल की मेजरमेंट क्या है 60 डिग्री यही आपको लिख देना है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है थर्टी सेवन डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो सेम वही मेथड सेम प्रोसेस लिखेंगे लेट ये सारे क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं जीरो डिग्री का आपको क्या करना है सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे लेट द मीजर्स ऑफ लेट द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल लेट द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस एक्स या एक्स प्लस जीरो इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया वन एट्टी डिग्री माइनस जीरो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो गया वन एट्टी डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई वन एट्टी डिग्री तो क्या हो जाएगा देअर फॉर द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ जीरो डिग्री इज वन एट्टी डिग्री जीरो डिग्री इज वन एट्टी डिग्री ओके तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन ए डिग्री का क्या करना है आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है सेम वही प्रोसेस है कुछ भी चेंज नहीं है लिखेंगे लेट द मेजर्स ऑफ मीजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल लेड द मीजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स क्या है एक्स है तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री या एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब ए का क्या हो जाएगा साइड चेंज लिखेंगे यक्स इजल टू वन एट्टी डिग्री माइनस ए तो यक्स इजल टू वन एट्टी माइनस ए होल ब्रेकेट डिग्री ठीक है तो आंसर लिख देंगे द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए डिग्री इज़ 180 एट्टी माइनस ए होल ब्रेकेट डिग्री ओके ये आपका आंसर हो जाएगा क्लियर Now see next problem. Problem number second. The measures of some angles are given below. Use the use them to make pairs of complementary and supplementary angle. ये angle आपको दिए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से complementary angle हैं, कौन से supplementary angle हैं। तो आपको इतना पता है, बताया भी है कि complementary angle रहेगा तो 90 degree addition आना चाहिए दो pair का और सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री आना चाहिए तो हम चेक कर लेंगे किसका किसका एडिशन 90 आ रहा है और किसका किसका 180 आ रहा है जो 90 आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री में है जिसका 180 आएगा वो सप्लीमेंट्री है तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री का चेक कर लेते हैं एंगल बी और एंगल इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा देखिए सिक्सटी थर्टी हो जाएगा नाइन्टी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा आपका लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस इज इक्वल टू सिक्सटी गिवन ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज़ थर्टी डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ये ठीक है ये पेयर हो गया अब दूसरा है एंगल वाई और एंगल ई e. इन दोनों का पेयर क्या है नाइन्टी और जीरो है तो इन दोनों का एडिशन भी कितना रह जाएगा नाइन्टी ही रह जाएगा तो ये भी क्या हो गया एक पेयर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो एंगल वाई नाइन्टी डिग्री एंड एंगल ई ज़ीरो डिग्री ये आपका हो गया नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका देखिए एंगल डी और एंगल एफ का बन रहा है डी और एफ को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू इज इक्वल करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट देखिए यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू सेवेंटी एंगल एफ इज इक्वल टू 15 डिग्री ओके okay, अब सप्लीमेंट्री एंगल का देखेंगे ठीक है सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल तो देखेंगे किसका एडिशन 180 डिग्री रहता है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा अब देखते हैं कौन कौन से पेयर हैं, सबसे पहले देखिए एंगल एंगल टी है और एंगल यन है इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो जाएगा तो लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल टी एंड यन एंगल एन 30 डिग्री है तो एंगल टी कितना है 150 डिग्री है लिख दी सॉरी जे जे कितना है 150 डिग्री ओके अब ये हो गया आपका 60 और 120, मतलब बी और जी का पेयर है तो लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल जी इज वन ट्वेंटी डिग्री ये आपका दूसरा पेयर हो गया ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इन ट्रैंगल एक्स वाई जेड मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इक्वल टू नाइन्टी डिग्री व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक तो ये एंगल किस टाइप का बनेगा तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा आपको पता है तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से देखिए ठीक है ठीके? एक ट्रायंगल बन गया आपका एक वाई जेड ठीक है इसमें जो मेज़रमेंट है वाई का वो कितना है नाइन्टी डिग्री है तो नाइन्टी डिग्री ये हो गया आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल द सम ऑफ आल एंगल इज़ नाइन्टी डिग्री द सम ऑफ आल एंगल इन ट्रा इज़ 180 डिग्री होता है और एक गिवन है एंगल 90 डिग्री एंगल वाई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है तो ये हम इसको सॉल्व कर देते हैं लिखते हैं तो यक्स वाई और जेड इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा आपको पता है एंगल लिखेंगे एंगल यक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन बिहाइंड इट दैट द सम ऑफ आल एंगल इन ट्रेंगल इज 180 एट्टी डिग्री लिख देंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल अब जो वैल्यू गिवन है उसको सब कर देंगे एंगल एक्स की वैल्यू नहीं गिवन है एंगल वाई की वैल्यू 90 एंगल जेड की वैल्यू नहीं गिवन है इज इक्वल टू वन डिग्री अब ये 90 का साइड चेंज हो जाएगा तो एंगल x प्लस एंगल z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 एट्टी माइनस नाइन्टी लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस नाइन्टी माइनस किया तो आ गया आपका 90 आ गया कितना आ गया 90 तो इससे क्या डिसाइड हो गया ये एंगल x और z क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अगर यही 180 डिग्री आया होता तो हम बोल सकते थे ये क्या है फिर सप्लीमेंट्री बट यहां पे एडिशन आया है 90 डिग्री इसलिए क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो अब लैंग्वेज लिख देंगे लैंग्वेज लिखेंगे एंगल एंड जेड एंगल एंड एंगल जेड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ओके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन नंबर फोर द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज फोर्टी डिग्री फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो दोनों एंगल फाइंड आउट करने ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है तो एक लिख लेंगे लैंग्वेज लेट लेट द मीजर्स ऑफ लेट द मीजर्स ऑफ या लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल एंड द सेकेंड एंगल बी वाई क्या हो जाएगा ये फोर्टी डिग्री था तो बी क्या हो जाएगा यक्स माइनस फोर्टी डिग्री क्योंकि या तो हम वाई सपोज करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं तो यक्स प्लस एक्स माइनस फोर्टी डिग्री इज इजक्वल टू नाइन्टी डिग्री ठीक है तो यक्स प्लस एक्स माइनस फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री यक्स एक्स कितने एक्स टू एक्स तो टू एक्स और ये माइनस फोर्टी था उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा नाइन्टी प्लस फोर्टी ओके तो नाइन्टी प्लस फोर्टी कितना हो जाएगा आपका वन थर्टी हो जाएगा नाइन्टी प्लस फोर्टी दैट इज वन थर्टी यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन थर्टी अपॉन टू टू से डिवाइड किया तो इक्वल टू आपका हो गया 65 डिग्री x की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री टू से डिवाइड कर देंगे टू डिग्री ओके अब हमको क्या करना है एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल की वैल्यूज जो हमने सपोज किया उसी में सब्टीट्यूट कर देंगे फर्स्ट एंगल आपका यक्स था तो यक्स की वैल्यू आपको मिल गई 65 डिग्री लिखेंगे देअर फॉर फर्स्ट एंगल द फर्स्ट एंगल द फर्स्ट एंगल एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री ऐसे सेम वे हम लिखेंगे सेकेंड एंगल सेकेंड एंगल क्या है आपका एक माइनस फोर्टी डिग्री सेकेंड एंगल एक्स माइनस फोर्टी डिग्री क्या है एक माइनस फोर्टी डिग्री तो इसमें वैल्यू सब्टीट्यूट करेंगे एक माइनस फोर्टी डिग्री में तो क्स की वैल्यू 65 है 65 डिग्री माइनस फोर्टी डिग्री दैट इज 25 डिग्री 25 डिग्री ओके okay? तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट एंगल 65, फाइव सेकेंड एंगल ट्वेंटी क्लियर नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रैंगल पी टी एन एम इज अ रेक्टेंगल राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री एंगल का नाम लिखना है तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं जिनको ऐड करने से आपको क्या मिल जाए 180 डिग्री तो इसमें आप चेक करेंगे ये सारे 90 90 के हैं तो सबको ऐड करने पर हमको 180 ही मिल जा रहा है तो ये दो सब सारे पेयर क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री होंगे लिखेंगे इन रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ऑफ 90 डिग्री ओके okay? तो एंगल पी एंड एंगल टी एंगल पी एंड एंगल टी इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो रहा है मतलब ये भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल पी एंड एंगल टी एक पेयर हो गया दूसरा हो गया एंगल टी एंड एंगल एन दूसरा पेयर हो गया ऐसे ऐसे ठीक है अब तीसरे में लिखेंगे एंगल एन एंड एंगल यम और सेम ऐसे लिखेंगे एंगल पी एंड यम तो लिखेंगे एंगल यम एंड एंगल पी इन सबका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है तो देअर ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गए ओके पी एंड एन भी हो जाएगा तो ये आपके पी एंड एन और डायगोनल का भी एडिशन 180 डिग्री है तो इसका भी क्या हो गया आपका यम एंड टी नाउ सी क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए ठीक है तो ये क्वेश्चन है आपको पहले तो हमको निकालना है क्या कॉम्प्लीमेंट किसका ए का उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका सप्लीमेंट्स निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री हम निकालेंगे 20 आएगा रफली अभी सुन लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ट्वेंटी आएगा क्योंकि नाइन्टी में से सेवेंटी निकलेगा ट्वेंटी हो जाएगा और फिर ट्वेंटी वन सिक्सटी से माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा वन ट्वेंटी आंसर आएगा ठीक है अब देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस सेवेंटी ए को माइनस करना है ना तो कितना हो जाएगा नाइन्टी माइनस सेवेंटी तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपको 20 आ गई 90 में से 70 निकलेगा कितना आएगा 20 आएगा ना ठीक है तो लिखेंगे 90 माइनस सेवेंटी दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री ये क्या आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया 20 डिग्री यहां पे ये वर्ड लिखना कंपलसरी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए ठीक है अब लिखेंगे सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से माइनस करना है इसको तो लिखेंगे 180 एट्टी माइनस ट्वेंटी डिग्री माइनस किया तो कितना आ गया वन सिक्सटी डिग्री ओके वन सिक्सटी डिग्री आंसर आपका हो गया आंसर आपका हो गया आंसर हो गया सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज वन सिक्सटी डिग्री ओके तो इस तरीके से यह क्वेश्चन को आपको करना था अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड ए एंड बी क्या है सप्लीमेंट्री है तो ए और बी का एडिशन वन एट्टी डिग्री होगा एंड एंगल बी एक्स प्लस ट्वेंटी डिग्री है देन वाट वुड बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है ठीक है तो एंगल ए बी क्या है सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री ठीक है एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू आपको गिवन है एक्स प्लस ट्वेंटी इजक्ल टू वन एट्टी डिग्री अब साइड चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एंगल ए टू एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस ट्वेंटी डिग्री वन एट्टी में से ट्वेंटी निकलेगा कितना हो जाएगा वन सिक्सटी डिग्री हो जाएगा ओके मेजरमेंट ऑफ़ एंगल ए प्लस एक्स इक्वल टू वन सिक्सटी डिग्री ओके वन एट्टी माइनस ट्वेंटी दैट इज़ वन सिक्सटी डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एक्स का क्या हो जाएगा साइड चेंज 160 सिक्सटी माइनस एक्स डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 सिक्सटी माइनस एक्स होल डिग्री ये आपका आंसर हो गया ओके okay? तो इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट 17 भी कंप्लीट होता है थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ठीक है धन्यवाद